shit. Rob Bailey, the hustle standard. Flag no fail. Hold strong, people. Hold strong. Revolutionary, frontline standard, solitary, mind state, kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. हेलो गाइस, वेलकम टू योर पीटी चैनल। इट्स योर पर्सनल ट्रेनर नवजोत सिंह। तो कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम बात करेंगे डॉले की। डॉले का रोला हर एक जिम में होता है, जहाँ पे भी जाएं हम, हर एक को बड़ा डॉला चाहिए कि बस बाइसेप हमारे बड़े होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, और कुछ होना हो। तो चलिए आज हम बाइसेप की ही बात करते हैं कि आप कैसे बड़ी आर्म्स बिल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको बाइसेप की एक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपके बाइसेप की पीक अच्छी बने। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप मेरा वर्कआउट जो आज मैं फॉलो करूंगा वो आप फॉलो कर सकते हैं और देखेंगे आपके बाइसेप में बहुत अच्छा फर्क आ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो एक्सरसाइज है हमारी, वो है 21 curls। 21 curls कैसे लगानी है हमने? जैसे ये बाबल पड़ी है हमारी, ओके। और तो 21 curls में हमने क्या करना है, 7 7 7 तीन पार्ट्स में हमने हमारे रेपिटेशन को डिवाइड करना है। 7 reps हम नीचे से लगाएंगे, हाफ, 1, ये देखो 90 degree तक आगे, 2 3 4, ऐसे 7। फिर 7 हम ऊपर लगाएंगे, 1 2 3, 7 ऊपर, फिर 7 4, और टोटल होगा 21। इसलिए इसको 21 curls कहते हैं। पहले हम लाइट से स्टार्ट करेंगे, वार्म अप कर ले थोड़ा। ये मैंने वेट पकड़ा, एंड नाउ वी विल कर्ल। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. तीन सेट लगाने हैं और रेपिटेशन 21, ओके ओके गाइस। तो है हमारी दूसरी एक्सरसाइज, इंक्लाइन डंबल कर्ल। इंक्लाइन डंबल कर्ल बेसिकली आप देख रहे होंगे बेंच मेरा कि मैंने अपना एंगल हाई रखा है। कुछ लोग क्या करते हैं, एंगल को बहुत नीचे रख लेते हैं, आई डोंट नो, उनको वहाँ पे ज़्यादा इंगेजमेंट आती होगी, लेकिन मेरे को वहाँ पे इतनी इंगेजमेंट नहीं आती, तो मैंने हाई रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी बैक रखा देंगे इस तरह से, और फिर यहाँ से हम बाहर को कर्ल करेंगे। ये बेसिकली हमारा इनर बाइसेप के लिए एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हमारा इनर बाइसेप बहुत अच्छा डेवलप होगा इसके साथ। तो इस तरह से हमें लगाना है, और इस एक्सरसाइज में हम जग दे भी नहीं पाएंगे चाहेंगे, तो ऐसे जग देने की कोशिश भी करेंगे तो पीछे बेंच है, बेंच का सपोर्ट आ जाएगा, तो इसमें प्योर आर्म्स की पावर लगेगी और शोल्डर भी आपके मूव नहीं होंगे। तो चलिए करते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है प्रीचर हैमर कर्ल। प्रीचर हैमर कर्ल पे हम नॉर्मली प्रीचर कर्ल कैसे लगाते हैं, ये इस तरह करके, ये, लेकिन हमने इस बार हैमर ग्रिप के साथ प्रीचर कर्ल लगानी है इस तरह। एक तो ये आपके बाइसेप में यहाँ से सेपरेशन आएगी, आप जब इस तरह से हैमर कर्ल लगाओगे, और एक आपकी पीक बहुत अच्छी बनेगी। तो ये ओवरऑल बाइसेप के लिए बहुत अच्छी है। Just take a breath. Yeah, 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 you got it all.
ओके गाइस, तो आ गए हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, केबल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल। बेसिकली ट्रेडिशनल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल हम डंबल के साथ बैठ के लगाते थे इस तरह करके, और जो ये एंगल है इसमें बाइसेप हमारा इंगेज नहीं होता उस ट्रेडिशनल कॉन्सेंट्रेशन कर्ल में, लेकिन इस मोमेंट में बाइसेप हमारा पूरा इंगेज होता है। अब केबल के साथ क्या है, हमारा बाइसेप इस मूवमेंट में भी इंगेज हो रहा है नीचे से ही, तो मेरे लिए खासी फेवरेट एक्सरसाइज है। कॉन्सेंट्रेशन कर्ल भी मेरे को काफ़ी पसंद है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कर्ल से ज़्यादा मेरे को ये पसंद है एक्सरसाइज। परफॉर्म मैं दोनों करता हूँ, लेकिन जब मेरे को बाइसेप को ज़्यादा इंगेज करना हो मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और ये कैसे लगाते हैं मैं आपको बताता हूँ। बस इस तरह आपने एक सिंगल हैंड ग्रिप डाल देनी है केबल को नीचे लेके जाके पूरा, जस्ट सिंपली कर्ल। और वेट ज़्यादा हैवी नहीं रखना है इसमें, मॉडरेट रखना है, जिसमें आपके शोल्डर्स मूव ना करें, सिर्फ बाइसेप पे पूरा जोर है।